तो जैसे कि जुमा के बाद जो है सोमवार को ये लॉकडाउन खुलना था और यूटी इंतजामिया की जानिब से जो है एक्सटेंड करके लॉकडाउन को 17 मई तक जो है दोबारा बढ़ाया गया है कोरोना वायरस के चलते। क्या कुछ इंतजाम हैं और क्या यहाँ पर जो मार्केट है, एसेंशियल सर्विसेज हैं, उनको जाने और आने की गाड़ियों को इजाज़त है? जो दुकानें एसेंशियल सर्विस के रिलेटेड उनको खुलने की इजाज़त है? जो दुकानें जैसे एसेंशियल सर्विस की हैं, मेडिसिन की हैं या सब्जी वगैरह की हैं, डेयरी की हैं या मीट वगैरह की, वो तो सुबह 7 से 11 बजे तक उसका टाइम है खुलने का। तो उसके बाद जो बाकी राशन वगैरह जो डिपो पर आज जिस जगह पर अवेलेबल है, किसी को राशन वगैरह की कोई परेशानी तो है नहीं। ज़्यादातर लोगों को यह है कि सब्ज़ी वगैरह की वो गाड़ी हम जो है एक एक करके गाड़ी को छोड़ रहे हैं, टाटा मोबाइल वगैरह जम्मू जा रही है सब्ज़ी वगैरह लाने के लिए। तो हमने ये रखा है कि 7 से 11 बजे तक सब्ज़ी की दुकानें, डेयरी वगैरह की दुकानें, मीट की खुलेंगी 7 से 11 बजे तक। और लोगों से ये अपील है कि दुकानों पर ज़्यादा रश ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और ज़्यादा ऐसे फालतू घरों से जो बाहर निकलते हैं, घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि इस बार जो कोरोना की जो इंसर्जेंस है वो बहुत ज़्यादा है। सर, देखा जा रहा है कि गाड़ियाँ ना चलने के बावजूद भी लोग जो है बाजारों का रुख कर रहे हैं। ये असल में ये इलाका थोड़ा पहाड़ी जात इलाका है, लोगों को दूर से आना पड़ता है। तो यहाँ से ये बिजनेस सेंटर है मंडी, तो सामान लेने के, फिर हॉस्पिटल भी यहाँ पर मंडी में, वो दवाई वगैरह लेने के लिए भी आते हैं खुद से। तो इसलिए इसके चलते हमने लोगों को कहा है जो ज़रूरी अशिया जैसे कोई सर्जरी के लिए आ रहा है, कोई मेडिसिन के लिए आ रहा है, तो उसको हम छोड़ रहे हैं। कोई बैंक में जैसे एटीएम के लिए आ रहा है, एटीएम से पैसे निकालने के लिए, तो हम छोड़ रहे हैं, ताकि अभी ईद का त्यौहार है तो चलो वो भी ईद का त्यौहार अच्छे से मना लें। लोगों के लिए आपको क्या पैगाम? लोगों के लिए यही पैगाम है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें, SOPs का ख्याल रखें, सैनिटाइजेशन अपने आप को करें, तो बाज़ारों में ऐसी जगहों पर ज़्यादा भीड़ भाड़ ना करें, क्योंकि इस बार जो कोरोना की लहर है, पेंडेमिक, ये तो बहुत ही खतरनाक है। इसमें अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया तो खुदा ना करें, तो उसको ऑक्सीजन भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा हमारे पास जैसे मंडी में नहीं, पुलिस में कितना हम लोगों को संभाल सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें, अपने आप को बचाएँ, बच्चों को, सब लोगों को बचाएँ।